असलम कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सबको लिख रही क्रिस्पी क्रिसपी बर्गर की रेसिपी जो बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे और आप कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके क्रम सही नहीं बनते मोटे बनते हैं सख्त बनते हैं तो सब मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के डिटन को प्रेस कर लीजिए बिस्मिल्लाम चैनल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने चार अदद चिकन ठाई ले ली थी आप अपने चिकन वाले के पास जाएंगे उनसे बोलेगा कि चिकन थाई दे दीजिए तो वो आपको थाई बनाकर दे देंगे और इसका जो वेट होता है जिंगर का वो 115 से 125 ग्राम तक होता है सौ बाद जो वेट होता है वो सिजलर का लग जाता है इसके अंदर मैंने डाल दिया है विनेगर वन एंड फोर कप और उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी तकरीबन तीन से चार कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी के अंदर डिप छोड़ दूंगी याद रखियेगा जिंगर हमेशा थाई का ही बनता है थाई इसका बनता है नॉर्मल चिकन बोनलेस चिकन का नहीं बनता देखिये आधा घंटा कम्प्लीट हो गया था और आधे घंटे बाद मैंने विनेगर वाला पानी ड्रेन कर लिया है और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी मसाले बहुत मजेदार से तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा वन टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन पाउडर अगर आपके पास पाउडर है मौजूद तो आप प्रायोरिटी पाउडर को ही दीजिएगा पेस्ट मत डालिएगा और अगर पाउडर नहीं है तो फिर आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर डाल दिया मैंने जिंजर पाउडर वन टीस्पून, स्पून वन टी स्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है मस्टर्ड पाउडर इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर अब जाएगा इसके अंदर टू टेबल स्पून टिक्का मसाला मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये जो मैं क्वान्टिटी बता दूँ ये चार था के लिए काफी है डाल दिया मैंने इसके अंदर हाफ लेमन अगर आपके पास लेमन नहीं है जूस है आपके पास तो आप टू टेबल स्पून के बराबर जूस भी डाल सकते हैं और ये डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है सारा मसाला थाइस पर अच्छे से लग जाए कोई भी थाज बिल्कुल सादी नहीं रहनी चाहिए जिससे आपने इसको मैरिनेट करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आगे मैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपकी क्रम्स बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे बाजार जैसे बनेंगे इनशाला जब आप घर में ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक मुझे अच्छा ही देंगे मसाला थाइस पर अच्छे से लग गया है अब मैं इसको एक से दो घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी और जी यहाँ पर दो घंटे हो गए थे आप दो घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको साइड पर करेंगे और साइड पर करने के बाद यहाँ पर मैंने बिल्कुल सादा मैदा ले लिया है मैदा लेने के बाद इसको हम मैदे के अंदर अच्छे से कोट करेंगे और अब आप तरीका देखिएगा मैं इसको किस तरीके से कोट कर रही हूँ हाथों की डायरेक्शन चेक करें किस वजह से क्रम्स आपके अच्छे बनेंगे और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे आपसे मैं मूव कैसे कर रही हूँ अपने हाथों को आप चेक करें और इस तरीके से आप देखें ई क्रम्स बनकर कितने अच्छे रेडी होंगे लेकिन सबसे अहम बात ये कि जब भी आप मैदा लें तो किसी बड़े बर्तन में लें छोटे से बर्तन में लेंगे तो क्रम्स आपके बिल्कुल सही नहीं बनेंगे हाथ घुमाने का मौका ही नहीं मिलेगा और ना ही इतनी जगह होगी लेकिन मैंने इसको तचले के अंदर लिया है तो आसानी से मैं अपना हाथ घुमा सकती हूँ और देखें इसको कितने अच्छे क्रम्स बने हैं अब इसको झाड़ना है और अभी से देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है यहाँ पर बिल्कुल सादा पानी ले लिया है मैंने ना ठंडा है ना गर्म है बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो मैंने ले लिया है इसको बस मैंने डिप करा है और डिप करने के फौरी बाद मैंने उसको निकाल लिया है और दोबारा से आपने बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है हाथों को जैसे डायरेक्शन में पहले मूव कर रहे थे देखें मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ अच्छे से देखें और सीखें बिल्कुल परफेक्ट आपके क्रम्स बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने एज इट इज इनशाला आपके क्रम्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे कोई शिकायत नहीं आएगी आपको और आप देखिएगा भी क्रम्स बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छे बाजार जैसे क्रम्स बने हैं अब इसको झाड़ लेंगे हम और उसको एक साइड पर रख लेंगे अच्छे से मैदा हमने झाड़ लेना है जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है देखें ये एक साइड पर मैंने रख दिया इसको क्रम्स देखें आप तो क्रम्स चेक करें सर लेकिन जो आपकी जो पहली जो ट्रिक है जिससे आपके क्रम्स अच्छे बनेंगे वो यही है कि शुरू में आपने इस मैदे के अंदर सिर्फ दो थाइस ही करनी है और दो थाइस के बाद आपने क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ लेकिन दो थाइस पर मैंने अच्छे से क्रम्स बना लिए थे लेकिन तीसरी बारी में आपने ये वाला मैदा नहीं यूज करना आपने क्या करना है एक छन्ना लेना है और छन्ना लेने के बाद इस सारे मैदे को दोबारा से छानना है आपके क्रम्स खराब होने की यही वजह है कि आप वही पहले वाले मैदे के अंदर क्रम्स बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं जिसकी वजह से वो सख्त भी हो जाते हैं और सही भी नहीं बनते और ये देखें कितने क्रम्स निकले हैं ये टूटे हुए इसको बिल्कुल आपने डिस्कार्ड कर देना है मैदे को दोबारा छानना है दोबारा से थाइस पर अच्छे से क्रम्स बनाना है इंशाल्लाह बिल्कुल सही क्रम्स बनेंगे और यहाँ पर गर्म हो गया था मैंने यहाँ पर छोटा सा पीस डालकर चेक कर लिया है अब एक बारी के अंदर मैं सिर्फ दो ही थाइस डालूंगी और आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल से गर्म हो गया और ये मैंने थाइस डाल दी हैं और फ्राई करते हुए की ट्रिक यही है कि सबसे पहले हमने पाँच मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि जो क्रम्स हमने बनाए वो बिल्कुल से मजबूत हो जाए यानी कि उसकी कोटिंग जो है ना बिल्कुल से मजबूत हो जाए पाँच मिनट तक आपने इसमें बिल्कुल भी कोई भी चम्मच नहीं चलाना है बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है अब पाँच मिनट कंप्लीट हो गए हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स बनकर रेडी हुए हैं अब इसकी मैं साइड को चेंज कर दूंगी और फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छे से पक जाए और यहाँ माशा माशाला से चिकन बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है आपके सामने है क्रम्स कितने अच्छे बने हैं कितना प्यारा कलर आया है और इसी तरीके से दोनों को मैं निकाल लूंगी और जो बाकी जो मैंने बनाई है उन सबको भी मैं फ्राई कर लूंगी ये दूसरी भी मैंने डाल दी है दूसरी बारी में भी सिर्फ मैं दो ही डालूंगी जब तक चिकन फ्राई हो रही है यहाँ पर हम बना लेते हैं मजेदार सा और झटपट सा एक सॉस जिसके लिए यहाँ पर मैंने वन फोर्थ कप मायूनीस ले लिया था वन फोर्थ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ले लिया था हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ले लिया है और चिकन पाउडर डालने के बाद यहाँ पर मैंने चुटकी भर नमक ले लिया है इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पर रख दूंगी बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको दी है रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में और फैमिली में शेयर कर दीजिए तो यहाँ पर मैंने बन ले लिए हैं ये वाले आपको बन इजीली बाजार से मिल जाएंगे या किसी भी आप बर्गर वाले की शॉप पर जाइएगा उनसे बोलिएगा मुझे ये वाले बन चाहिए वो आपको दे बर्गर के एक साइड पर मैंने लगा ली है डिप जो मैंने आपके सामने बनाकर रेडी की है और एक साइड पर यहाँ पर मैंने लगा दिया है कैचर दोनों चीजों को मैं अच्छे से बर्गर पर स्प्रेड कर लूंगी अब यहाँ पर मैंने ले लिया है सलाद पत्ता जो जिंगर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है और दोनों साइड पर मैं सलाद पत्ता रख दूंगी अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप भी रखें लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने रख दिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है जिंगर का कुरकुरा मजेदार सा पीस जो आपके सामने मैंने बनाकर बिल्कुल रेडी किया है आप भी बनाइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा तो दोनों पीस यहाँ पर मैंने रख दिए हैं और इसके ऊपर से डाल दिए मैंने केचप यू आर योर ऑन बॉस आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डालें जो सॉस बची थी वो मैंने ऊपर से लगा ली थी और अब डाल दी यहाँ पर मैंने कौंसलो सीधे से मैंने कौंसलो क्या करा मैंने बनगो बिली उसको अच्छे से बारीक बारिक सा क्रश करा क्रश करने के बाद उसके अंदर मैनीस डाला थोड़ी सी चीनी डाली और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया तो यहाँ पर कौंसलो बनकर बिल्कुल से रेडी हो गया है ये मैंने डाल दिया ऊपर से और इसको मैं अब कवर कर दूंगी तो देखें लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर सारी टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करिए इन शाह आपको सब समझ आई होंगी और यहाँ पर बर्गर बनकर बिल्कुल सर रेडी हो गए हैं इसको फ्रेज के साथ खाएं मेरी रेसिपी पसंद आई तो अभी लाइक कर लीजिए शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आपका बर्गर कैसा बना तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ तो उतना मजेदार सा जिंगर बर्गर देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा ना? आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो ये देखें कितना मजेदार था और लश पसा लग रहा है ना तो वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक कर लीजिए मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ दुआ में याद रखिएगा। जब तक ले लाफे ला,